और बाबा सूरजपाल की फंडिंग को लेकर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। मैनपुरी आश्रम के बाहर लगे दानदाताओं की लिस्ट से ये पर्दाफाश हुआ। इस लिस्ट में सिर्फ उन्हीं लोगों के नाम हैं जिन्होंने 10,000 रुपए से ज्यादा का दान दिया है। 10,000 रुपए से कम डोनेट करने वाले लोगों का नाम इस लिस्ट में लिखा ही नहीं गया। इस लिस्ट में 200 लोगों के नाम लिखे गए हैं, लेकिन ये दान कब मिले इसकी कोई जानकारी यहाँ नहीं लिखी गई है। और अब इस पूरे मामले में फंडिंग के एंगल से भी जांच की जा रही है। लिस्ट में 200 लोगों के नाम तो जरूर हैं, लेकिन इसमें सिर्फ उन्हीं लोगों के नाम है जिन्होंने 10,000 से ज्यादा की रकम दान की, और ये दान कब दिए गए इस बारे में भी कोई डिटेल यहां नहीं है। कभी भी आप किसी दान पात्र या दान पेटी के बारे में जानकारी लेंगे तो दानदाताओं का नाम शुरुआत से लेकर आखिर तक होता है, यानी अगर किसी ने 1 रुपया दान दिया हो और किसी ने 1,000 दिया हो तो सभी का नाम लिखा जाता है या कागजों में या फिर शिलाखंड में। लेकिन बाबा के आश्रम में इससे उलट है, 5,000 और 10,000 नहीं बल्कि 10,000 से नीचे का कोई भी दान इस दान जो सूची है इसमें नहीं लिखा गया है। यानी 10,000 से ऊपर जिसने दान दिया है ये सिर्फ सूची उन्हीं लोगों की है, और ये वो लोग हैं जो बाबा के इन आश्रमों को फंड करते हैं या इन्होंने दान दिया है। ये किस तरह का दान है जिसमें समय नहीं लिखा गया, सिर्फ अमाउंट लिखी गई है, नाम लिखा गया है। और आप सबसे ऊपर से देखेंगे तो सबसे ऊपर एक विनोद बाबू आनंद नाम लिखा है जो शिवनगर मैनपुरी के हैं, लेकिन उनके आगे क्रॉस है, ब्लैंक है। क्या उन्होंने जमीन दान में दी है या फिर पैसा ऐसा इतना गुप्त दान दिया है ये यहाँ पर जानकारी नहीं। लेकिन इस पूरी लिस्ट में यहाँ के नहीं बल्कि कई राज्यों के लोगों के नाम है जिन्होंने ये दान दिया है। ये दान इसे कहेंगे 10,000 से लेकर ऊपर की जितनी रकम होती है सिर्फ उन्हीं के नाम है और उससे नीचे किसी का नाम नहीं है, जबकि नीचे जो 5,000 4,000 उनकी कोई लिस्ट नहीं है। तो ऐसे लाखों लोग हैं, क्योंकि बाबा के एक सम्मेलन सत्संग के सम्मेलन में लगभग 2 से 3 लाख लोगों की भीड़ होती है और हर कोई दान देकर जाता है और उसकी रकम बहुत ज़्यादा होती है जिसे छुपाया गया है। और ये इस तरह की लिस्ट है जो अलग अलग तरीके से यहाँ पर जिन लोगों ने अपना दान दिया उनको रखा गया है। तो बाबा की जो बाबा को फंड दिया जाता है वो कहाँ से दिया जाता है, कौन लोग हैं इसके पीछे, इसकी जानकारी अब यूपी पुलिस करेगी, क्योंकि राजस्व विभाग को भी इस तरह की इनपुट दिए गए हैं ताकि ये जाँच कर सकें कि राजाओं जैसा जीने वाला और राजाओं जैसे महल को तैयार करने वाला बाबा सूरजपाल इतनी बड़ी रकम लेकर कहाँ से आता है। और इस बीच बाबा सूरजपाल की सुरक्षा को लेकर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। बाबा सूरजपाल सुरक्षा के कड़े पहरे में रहते थे, उनकी सुरक्षा में प्लाटून कमांडर की टुकड़ियां तैनात होती थी। सुरक्षा में तैनात महिलाओं को अलग अलग जिम्मेदारियां दी जाती थी। प्लाटून कमांडर और सेवादारों के अलग अलग रजिस्टर होते थे जिसमें सभी